सो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरी के। अब आज की मेरी ट्रिप है वापस से टॉप कार्स की, विच इज़ अ प्रीमियम प्री ओन कार शोरूम इन पुणे कैंप एरिया, MG रोड पे ये लोकेटेड है। सो हमेशा की तरह मैं यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से उठा ही सकते हैं। सो आप देख सकते हैं आपके पास लाइन से मर्सिडीज से लेके ऑडी, BMW, जैगुआर, रेंज रोवर, सारी गाड़ियाँ एकदम नया स्टॉक जो इनके पास फ्रेश जो है वो आया हुआ है। सो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के सेल्स मैनेजर मिस्टर अकबर जी से वापस से और जानते हैं उनसे कि यहाँ पे आज स्टॉक में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कितने चली हुई हैं और मुद्दे की बात आपको यहाँ पे कितने की ऑफर हो रही है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली गाड़ी से, ये रही मर्सिडीज ब्लैक कलर में GLS। सो अकबर जी इसके बारे में बताइए। ये मर्सिडीज GLS है, 2016 का है, 2016 मॉडल, सेकंड ओनर है। डीजल है पेट्रोल है सर? ये डीजल है। तो दोस्तों 2016 मॉडल, डीजल, सेकंड ओनर, और कितना चली हुई है सर? ये चली है 64। और बाकी सब वेल कंडीशन, मेंटेन कंडीशन वगैरह? वेल कंडीशन है। ओके, तो यहाँ कितना कोट कर रहे हैं सर इसका? इसका हम 50 लाख रुपीस कोट कर रहे हैं, ठीक है। और आज की डेट में अगर देखें तो नई गाड़ी लगभग कितने की आएगी? ये 1 CR के ऊपर ही जाती है। 1 CR के ऊपर ही जाती है। सो दोस्तों 2016 मॉडल, सेकंड ओनर गाड़ी है, लगभग 64,000 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पे अकबर जी कोट कर रहे हैं 50 लाख रुपीस, जो कि सर नेगोशिएबल रहेगा क्या? नेगोशिएबल है, सारी गाड़ियाँ नेगोशिएबल है, सारी गाड़ी नेगोशिएबल। तो दोस्तों मैं बार बार हर गाड़ी में ये नहीं बोलूंगा नेगोशिएबल है, सारी गाड़ियाँ आप यहाँ आके इनके साथ बैठ के डीलिंग करते टाइम नेगोशिएट करवा सकते हैं अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, ये है मर्सिडीज GL। सो अकबर जी इसके बारे में बताइए। ये मर्सिडीज GL है 350 और इसका मॉडल है 2015 मॉडल है ये। हाँ 2015 मॉडल है और सिंगल ओनर गाड़ी है ये जी। इसका कोट कर रहे हैं हम 36। ओके, और ये डीजल पेट्रोल? डीजल। सो दोस्तों ये है 2015 की मर्सिडीज GL जो कि लगभग 80,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर ये गाड़ी है और यहाँ पे कोट कर रहे हैं 36 लाख रुपीस। तो चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही वाइट टर्म में मर्सिडीज GLC, काफ़ी शानदार कंडीशन में लग रही है बाहर से तो, चमकदार एकदम। सो अकबर जी इसकी डिटेल्स हमें बताइए। ये है 2017 जी, 45,000 किलोमीटर चला है। 2017 किलोमीटर चला हुआ, डीजल गाड़ी है ये भी? डीजल गाड़ी है जी। फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है। कितना ऑफर कर रहे हैं इस काम कर रहे हैं? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। नई गाड़ी की कीमत क्या होगी लगभग इस समय आज की डेट में? ये होगी 65-70 के आसपास। 65-70 के आसपास। सो जैसा कि आपने देखा दोस्तों आपको यहाँ पे कोट कर रहे हैं 40 लाख रुपीज, सिंगल ओनर गाड़ी है, 2017 मॉडल, लगभग 45,000 किलोमीटर चली हुई है। चलिए चलते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। ये रही हमारी अगली गाड़ी, ये है रेंज रोवर इवोक। रेंज रोवर की गाड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं अपने मैस्कुलाइन लुक के कारण और इवोक तो अलग ही उसकी एक जगह है रेंज रोवर के सेगमेंट में। सो अकबर जी इस प्यारी सी रेंज रोवर के बारे में हमको बताइए, इसकी डिटेल्स क्या है? ये है 2011 का मॉडल है। 2011 मॉडल है। हाँ, सिंगल ओनर गाड़ी है, 90,000 किलोमीटर चल चुका है जी और इसका हम बोल रहे हैं 21,50,000 रुपये। 21,50,000 रुपये। चलिए चलते हैं हमारी अगली लग्जरी गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी जैगवार XJL। अब आपको पता ही है कि लग्जरी सेगमेंट में जैगवार की गाड़ियां तो है, कहने ही क्या इनका। तो अकबर जी इसकी डिटेल्स बता दीजिए हमको। ये है 2013 मॉडल। सिंगल ओनर है जी। इसका हम कोट कर रहे हैं कुछ 33 लाख। XJL यानी डीजल है ये? डीजल, राइट। 36 लाख। 33 लाख। चलिए आपके लिए और कम हो गया, मैं 36 बोल रहा था, इन्हें 33 बोल दिया। सो ये है 2013 की जैगवार XJL, सिंगल ओनर गाड़ी है ये, लगभग 60,000 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पे आपको कोट कर रहे हैं 33 लाख रुपीस। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी को अपना बनाना, बाकी कंडीशन तो बहुत शानदार है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली दी हैं। आप चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। ये हमारी Audi Q7। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गाड़ी है ये, अलग ही बाहर निकल के आ रही है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। सो अकबर जी इस Audi Q7 के बारे में बताइए। ये है 2013 मॉडल जी, सिंगल ओनर है जी, इंश्योरेंस ख़त्म है जी और इसका किलोमीटर हो गया 70 जी, 70,000 और हम किसका कोट कर रहे हैं 25 लाख। और अगर किसी को लोन कराना है तो ऑल इंडिया आप लोग लोन भी करा के देते हैं ना? हाँ, हम लोन करा के देते हैं जी जी। सो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ियाँ लोन पे भी चाहिए तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बाकी आप यहाँ आ ही सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी अगली गाड़ी, ब्लू कलर की BMW X1। जैसा कि बाहर से कंडीशन देखिए सारी नई ही दिख रही है गाड़ियों की ऑलमोस्ट। सर इसकी डिटेल्स हमें बताइए। ये है 2014 मॉडल। 2014 मॉडल है जी। और ये सिंगल ओनर है, 80,000 किलोमीटर चला है जी। डीजल गाड़ी है? डीजल गाड़ी है। और कोट हमने इसके क्या है? 15 लाख। 15 या 50? 15। 15 लाख रुपए। 15 लाख।
सो दोस्तों 15 लाख में आपको BMW X1 मिल रही है 2013 मॉडल की, 2014 मॉडल की रादर। देखिए 2014 मॉडल BMW X1 लगभग 80,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, और अगर आप इसको लेना चाहें तो डेफिनेटली आप आके यहाँ पे डिटेल्स ले ही सकते हैं इसकी। चली चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो ये रही दोस्तों हमारी अगली गाड़ी, ये है मर्सिडीज C220D, राइट। तो सर इसकी डिटेल्स बताइए। ये है 2012 का मॉडल है। ओके। और हमने इसका कोट किया है 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए 2012 मॉडल है, 8.5 लाख रुपए कोट किया है। लगभग कितना चल चुकी है ये? ये 64,000 किलोमीटर चली है, और ये मतलब जो 64 चली है ये पूरा मतलब सर्विस रिकॉर्ड के साथ। ओके। सो दोस्तों 2012 मॉडल मर्सिडीज C220D यहाँ पे आपको कोट कर रहे हैं 8.5 लाख रुपए। चलिए चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। सो दोस्तों ये रही हमारी मर्सिडीज E220D ब्लैक कलर में। अब ब्लैक कलर में सिमिलर हमारे पास एक C220 भी थी, ये E220 है। सो सर इसकी डिटेल्स हमें बताइए। ये है 2012 मॉडल जी। 2012 मॉडल सिंगल ओनर है जी। और इसका कितना चली हुई है? ये चली है कुछ 80,000 के आसपास। 2012 मॉडल सिंगल ओनर 80,000 किलोमीटर चली हुई है। डीजल वेरिएंट गाड़ी नहीं, पेट्रोल। ये पेट्रोल है दोस्तों, ये पेट्रोल गाड़ी है। और कितना कोट कर रहे हैं सर इसका? इसका 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए 12 लाख। तो दोस्तों 2012 मॉडल गाड़ी है ये, 80,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, और इसका यहाँ पे कोट कर रहे हैं सिर्फ 12 लाख रुपए। अगर आप चाहें इस गाड़ी को लेना तो आप यहाँ डेफिनेटली आ ही सकते हैं। सो दोस्तों अभी हमने देखा करंट स्टॉक की डिटेल्स जो कि टॉप कार्स पे अवेलेबल है इस समय, और हमारे साथ थे अकबर जी, इन्होंने हमारी हेल्प की और हमको सारी डिटेल्स दी गाड़ियों के बारे में। सो अकबर जी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों ये था टॉप कार शोरूम जो कि था पुणे कैंप एरिया में MG रोड पे। सो आज हमने देखा यहाँ पे करंट स्टॉक कौन कौन सा अवेलेबल है गाड़ियों का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की कोई भी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @tripdiary, दैट इज TRIPDIARI। तो दोस्तों आप सब अपना यूं ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी, मिलते हैं अगले वीडियो में।